आज हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक का मतलब है कि किसी चीज़ का साइंस से रिलेट होना, और नोटेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को अरेंजमेंट से लिखना, यानी कि तरतीब से लिखना। साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाला एक मेथड है जिसके थ्रू हम जो है बहुत छोटी डिजिट या बहुत ही बड़ी डिजिट या बहुत बड़ी वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह की डिजिट में जिन्हें हम आसानी से याद कर सकें। साइंटिफिक नोटेशन को जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था रेनी डेकार्टेस्ट, और उसने ये काम 1637 में किया। रेनी डेकार्टेस ने हमारे लिए बहुत ही आसानी पैदा कर दी। उसने हमें ये कहा कि अगर आपके पास बहुत ही बड़ी वैल्यू है या बहुत ही छोटी वैल्यू है जिसे याद करना और अपनी मेमोरी में स्टोर करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, तो उसको आप छोटी सी वैल्यू में चेंज कर लें जिसे याद करना और अपनी मेमोरी में स्टोर करना आपके लिए आसान हो जाए। लेट्स सी कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर ऐसा ऐसा आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में समझ आ जाएगी। हम कहते हैं कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है ये तकरीबन हमारे पास 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर अब मुझे इतनी बड़ी वैल्यू को, सबसे पहले तो मैं किलोमीटर को ना बेसिक यूनिट में तब्दील कर लेती हूँ, यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर लूँ, तो मेरे पास 300,000 और किलोमीटर की जगह अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 3 more 0 आ जाएंगे, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब आप सोचिए इतनी बड़ी वैल्यू को आपके लिए याद करना कि इसमें कितने ज़ीरो आती थी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है, जो कि रेनी डेकार्टेस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसने इसे याद करने का एक बहुत ही आसान हल बता दिया कि किस तरीके से इस चीज़ को ईजी फॉर्म में जो है हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। रेनी डेकार्टेस ने कहा कि अगर आपके पास कोई बहुत ही बड़ी डिजिट हो या कोई बहुत ही छोटी डिजिट या वैल्यू हो, तो उसे आप छोटी डिजिट या वैल्यू में इस तरह से तब्दील कर सकते हैं कि हर वैल्यू के लास्ट पर एक डेसिमल होता है, उस डेसिमल को हम लोग अगर वहाँ से रिप्लेस करके नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लेस करते हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी उस पूरी की पूरी वैल्यू के अंदर जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, कोई भी ऐसा अदद जो सिफर ना हो और सिफर के अलावा कुछ भी हो और वो फर्स्ट हो, उसके बाद प्लेस कर दें। यहाँ से मैंने जैसे कि इस डेसिमल को उठाया, ये यहाँ पर ऑलरेडी ही प्लेस था, इसे मैंने यहाँ से रिप्लेस किया और यहाँ जाके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उसके बाद जाके प्लेस कर दिया, तो जितने डेसिमल मुझे मूव करने पड़े हैं उन्हें मैं 10 की पावर में लिख दूँ। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि मैंने इस डेसिमल को 3, 3 और ये हमारे पास 6 हो गया और ये 7, 8, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस डेसिमल को 8 times मूव कराया है, तो मुझे इस तरह से लिखना चाहिए 3 × 10^8। इस सिचुएशन में मुझे इसे लिखना चाहिए, जितने डेसिमल आप मूव कराएं किसी भी वैल्यू के अंदर उतने डेसिमल को गिनकर आप 10 की पावर में लिख देते हैं, तो इसे आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जिसके बाद आपने डेसिमल को प्लेस किया था, उसे आप इसी तरह से लिख देते हैं, जैसे कि आपने 3 के बाद प्लेस किया तो आप 3 × 10^8 लिख देते हैं, तो इसे 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड में आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई वैल्यू इस तरह से दी गई हो कि आपके पास जो है, इसी तरह से अगर आपको कोई कह देता है कि जैसे कि अगर आपके पास 1 hour है, तो आपको पता है कि 1 घंटे में आपके पास 3600 seconds होते हैं, यानी कि 1 घंटे में 60 minutes होते हैं, और उन 60 मिनटों के अंदर आपके पास 3600 seconds होते हैं, 3600 seconds होते हैं। तो अगर तो ये 1 घंटे की बात है, हो सकता है वो आपको कह दे कि आप पूरे दिन के सेकंड्स बताएं, तो फिर तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से, और ये अच्छी खासी बड़ी डिजिट हो जाएगी। अगर मैं आपको इस छोटी सी डिजिट को ही समझाना शुरू करूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में आप इस छोटी सी डिजिट को कैसे तब्दील करेंगे, तो वही वाला मेथड आ जाएगा कि आपको यहाँ से अपना जो डेसिमल है उसको प्लेस करना पड़ेगा। लेट्स से मैं कहती हूँ कि इस कलर से बना देते हैं, ये हमारा डेसिमल है, यहाँ पर लास्ट पर डिजिट के वैल्यू के लास्ट पर होता है। यहाँ से मैंने इसको उठाया और इस पूरी वैल्यू में मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे पास पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, तो 3 भी है 6 भी,
लेकिन जो सिक्स है वो सेकंड नॉन जीरो डिजिट है, फर्स्ट नहीं। लेकिन हमें रूल के मुताबिक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जाके इस डेसिमल को प्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पर जाके प्लेस कर दिया। अब आपने ये देखना है कि मैंने कितने डेसिमल मूव किए। मैंने मूव किया 1, 2 और 3। इसका मतलब है मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकती हूँ, 3 पॉइंट आगे वाली वैल्यू 3.6, जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लिखे हैं। आप जीरो ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने 3.6 लिख लिया तो जितने डेसिमल मैंने मूव किए जो कि 3 हैं, उन्हें 10 की पावर में मैं 3 लिख दूंगी। ये तो पहले दो रूल हो गए। पहला रूल ये कि डेसिमल को देखना है, दूसरा रूल ये कि डेसिमल को वहाँ से उठाना है, रिप्लेस करना है, और वहाँ रिप्लेस करते करते यहाँ पे फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद जाके प्लेस कर देना है। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। अब तीसरा रूल ये देखना है, और तीसरा रूल ये है कि अगर आप डेसिमल को आपके डिजिट इस तरह से है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है, या आपके पास 1 और है, यानी कि सिंपल सी डिजिट आ रही है जिसका डेसिमल लास्ट पर हो, अगर आपको पूरी वैल्यू में कहीं डेसिमल नज़र नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब है उस डिजिट के उस वैल्यू के अंदर जो डेसिमल है वो हमेशा उस वैल्यू के लास्ट पर होगा। जैसे कि इन वाइल दो एक एग्जांपल में है कि इनका डेसिमल हमेशा लास्ट पर है क्योंकि कहीं और हमें डेसिमल नहीं नज़र आ रहा। तो अब हमारा तीसरा रूल क्या है कि अगर हम डेसिमल को अपने राइट हैंड से रिप्लेस करके लेफ्ट हैंड की तरफ जाके प्लेस कर देते हैं, जैसे कि ये मेरा राइट हैंड की पोजीशन है, यहाँ से मैंने रिप्लेस करके यहाँ पर जाके लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दिया, तो मेरा जो पावर आएगा, जितने 10 के ऊपर जो पावर आएगी, जितने डिजिट मैंने मूव किए हैं 10 के ऊपर वही पावर आती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर मैं ये करूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से कि मैं कह देती हूँ कि अगर आपके पास कोई इस तरह से डिजिट है 0.00000514। अब देखिए, इतनी मुश्किल डिजिट को याद करना तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया ना, तो इतनी पूरी वैल्यू को याद करने का आसान सा हल ये है कि आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कर लें। फिर वही साइंटिफिक नोटेशन का पहला मेथड कि सबसे पहले तो डेसिमल देखना पड़ेगा। अब डेसिमल हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर पड़ा है मेरी लेफ्ट साइड पे, यहाँ से मैंने इसे रिप्लेस किया। और मेरा सेकंड रूल ये कहता है, जो हमारा साइंटिफिक नोटेशन का सेकंड रूल है, वो हमें ये बताता है कि इसे हम लोगों ने प्लेस करना है आफ्टर वन नॉन डिजिट, जो वन नॉन डिजिट एलिमेंट के बाद, यानी कि ये हमारी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 5। इसके बाद जाके हमें यहाँ पर इस डेसिमल को प्लेस कर देना है। तो अब ये हमारा दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल हमारा ये था कि अगर तो मैं अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाऊँगी इस तरह से, तो मेरे पास 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। लेकिन अब अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू हो कि आपको डेसिमल को रिप्लेस करना पड़े अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, तो उस सिचुएशन में आपकी वैल्यू जो 5 है ये ऐसे ही आ जाएगी, 1, 4, 7 ऐसे ही आ जाएगा, 10 की पावर, और जितने डेसिमल मूव किए हम लोगों ने 3 और ये 3, 6, तकरीबन हमने 6 डेसिमल मूव किए। और अब चूंकि हम लोगों ने डेसिमल को रिप्लेस किया है लेफ्ट से राइट, तो अब हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये मैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में समझाना चाह रही थी। लेट्स से मैं आपको अगली एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आपसे कोई आपकी एज पूछे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आपसे कोई आपकी एज पूछता है, लेट्स से कि आप 19 के हैं, 18 के हैं, या 20 इयर्स ओल्ड हैं, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो है 19, 20, 18 के ही होते हैं। अगर आपको इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ही आसान है, आप इसे भी बता सकते हैं। लेट्स से कि आप 19 इयर्स ओल्ड हैं। अब 19 को साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखा जाता है कि सबसे पहले तो इस पूरे डिजिट को देखें, अगर आपको डेसिमल कहीं नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू में डेसिमल हमेशा इसके लास्ट पर है। अब इस डेसिमल को मुझे यहाँ से रिप्लेस करना है, जो कि हमारा दूसरा रूल है, और रिप्लेस करके कहाँ पर प्लेस करना है, इस पूरी वैल्यू में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद, जो कि 1 है, तो 1 के बाद। अब हम लोगों ने कितने डेसिमल मूव किए, हमने यहाँ से यहाँ तक लाते हुए सिर्फ 1 डेसिमल मूव किया, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 1 एज इट इज़ ही, उसके बाद पॉइंट, देन 9, उसके बाद 10^1। और अब चूंकि मैं जो है अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ गई हूँ, तो मेरी पावर पॉजिटिव में आ गई,
और अगर मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होती 0.19 जो कि किसी की भी एज नहीं हो सकती, लेट्स से कि अगर इतनी होती तो आप यूं करते कि इस जीरो को यहाँ से यहाँ पर आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर आपको रिप्लेस करना पड़ना था, तो उस सिचुएशन में 1.9 × 10^1 ही आना था क्योंकि 1 ही डेसिमल मूव किया है, लेकिन -1 क्योंकि हम लोग अब जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशन को जो है साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ को लिखने का मेथड है। अब रीज़न ये है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम आखिर इसे इस्तेमाल करते क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करने की। जैसे कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जैसा कि मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारा जो एटम है, एटम जो हर चीज़ में होता है, हर चीज़ एटम से मिलकर ही बनी है। अगर आपके पास, अगर आपको मालूम हो कि डायमीटर ऑफ एटम जो है, डायमीटर ऑफ एटम होता है 10^-10 मीटर, इतना इसका डायमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी बड़ी वैल्यू -10, इसका मतलब है कि हमारा जो डेसिमल है वो तकरीबन कुछ इस सिचुएशन का होगा कि हमें जो है वो डेसिमल, लग से कि मैंने 9 लगा लिए हैं और ये हमारे पास 10, इसका मतलब है हमारा डेसिमल कुछ इस सिचुएशन का होगा कि वो इतने 9 या 10 डेसिमल तो मूव किया ही होगा, हमारा जो पॉइंट है वो इतना इतना लंबा फासला तो तय कर कर आया ही होगा, इतने डेसिमल उसे मूव करने ही पड़े होंगे। अगर मैं सपोज करके इस तरह से एक वैल्यू लिख लेती हूँ, ये मीटर में है और इसे साइंटिफिक नोटेशन में इन्होंने जब लिखा होगा तो ये 3 और ये 3 6 और ये हमारे पास 9 आ जाते हैं, देन ये 10। अगर ये 10 है तो यहाँ पर 10 हो गया हमारे पास, तो ये 1 है हमारे पास, तो इसका मतलब है 3 3 हमारे पास 6 हो गया, देन 9, और 9 के बाद ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि 1 है, ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो है और पूरी वैल्यू के अंदर ये पहली नॉन ज़ीरो डिजिट है। जाहिर सी बात है, ये तो हमें मालूम था ना डायमीटर इतना है, लेकिन मैं आपको इसको करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से रेने डिकार्टस ने इसे मालूम करना सिखाया है। ये डिजिट असल में इस सिचुएशन में था, इस सिचुएशन में कि हमारे पास जो डेसिमल था वो यहाँ पर था कि उसके दरमियान यहाँ से यहाँ तक इसे मूव कराने के लिए हमें जो है तकरीबन 10 डेसिमल्स मूव करने पड़ते हैं। जब यहाँ से हम लोग यहाँ पर आए तो 1.1 × 10^2 जो है हमारे पास -10 आ गया, चूँकि 10 डेसिमल मूव किए तो 10^10, और चूँकि डेसिमल मूव कहाँ से किए, लेफ्ट से राइट, तो -10 आ गया। अब आप देखिए, इतनी बड़ी वैल्यू को याद करना ज़्यादा आसान है या इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी छोटी सी वैल्यू को? अब इस वैल्यू को याद रखना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अक्सर बंदा भूल जाता है कि इसके दरमियान जो है 9 ज़ीरो थे या 8 थे या 6 थे, अक्सर भूल जाता है। लेकिन ये चीज़ बहुत ही आसानी से याद रह जाती है कि जो डायमीटर ऑफ एटम है वो 10^-10 मीटर है, आसानी से आप बता सकते हैं। सिमिलरली जो मैस ऑफ अर्थ है हमारे पास जो होता है मैस ऑफ अर्थ जो है हमारे पास है, वो हमारे पास 6 × 10^24 kg है। मीन्स ये कि हम लोगों ने ये जो 24 आया है ये इस तरह से आया होगा कि हम लोगों को 24 टाइम्स डेसिमल को मूव कराना पड़ा होगा। तो इसका मतलब है किसी वैल्यू के अंदर आप इमेजिन करें 24 जीरो को याद रखना आपके लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, और रेने डिकार्टिस के इंट्रोड्यूस करवाए हुए मैथड जो कि साइंटिफिक नोटेशन है उससे आपके लिए इस चीज़ को रिमेम्बर करना, अपनी मेमोरी में स्टोर करना कितना ज़्यादा आसान हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन का जो फ़ायदा है, उस इस मेथड का जो पर्पस है, जो फ़ायदा है, एडवांटेज है हमें अपनी फिजिक्स में, अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो यही है कि हम लोगों को बहुत बड़ी और बहुत छोटी डिजिट को हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ी वैल्यू हो या बहुत ही छोटी वैल्यू हो तो आसानी से हम उसे इस तरीके की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं कि जिसे आसानी से याद किया जा सके। अब अगर मैं इसकी आपको कन्वर्जन सिखाऊं कि किस तरह से इसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स से कि अगर आपके पास 5 1 4 0 4 0 6 इस तरह की कोई एक डिजिट है और उसे आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में आप इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास यहाँ पर डेसिमल है, क्योंकि आपको नज़र नहीं ना आ रहा है इस पूरी की पूरी वैल्यू में, तो इसका मतलब इसके लास्ट पर होगा। यहाँ से इस पॉइंट को मैंने उठाया और अगर मैं इसको फर्स्ट पूरी की पूरी वैल्यू में, फर्स्ट नॉन डिजिट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, मतलब कि 5, लेकिन अगर मैं स्टेप वाइज चलूँ, मैं इस तरह से करूँ कि मैं सिर्फ 6 के बाद लगा रही हूँ, मतलब कि 6 के बाद लगाना चाह रही हूँ,
सिक्स के बाद नहीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए मैं सिक्स से पहले लगा रही हूँ। मैं अपने डेसिमल को यहाँ से यहाँ पर मूव कर रही हूँ, सिर्फ एक डेसिमल में से मूव कर रही हूँ अपने पॉइंट को। तो मेरे पास क्या हुआ कि 5140.6 इंटू 10^5 कितने डेसिमल मूव किए हैं इस पॉइंट ने, सिर्फ एक, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और प्लस या माइनस इसका फैसला इस तरह से होगा कि आपने जो अपने पॉइंट को है मूव किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो प्लस में आ गया। अब अगर आप अपने पॉइंट को इस तरह से मूव कराएं कि मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट को यहाँ से ले जाकर ज़ीरो के बाद, यानी ज़ीरो से पहले, हाँ पहले कहना पड़ेगा, ज़ीरो से पहले इस तरह से लिख दूँ, तो अब मैंने क्या किया कि 5140.06 इंटू 10^5 कितने डेसिमल मूव किए, 2, और किस तरह से मूव किए राइट से लेफ्ट, तो +2 आ गया। अब अगर तीसरी सिचुएशन ये की जाए कि 5140.06 में मैं डेसिमल को यहाँ पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ से उठाती हूँ और 4 से पहले प्लेस कर दूँ, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 5140.06 इंटू 10^5 और कितने डेसिमल मूव हुआ हमारे पॉइंट ने किए हैं, वो है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 10^3। और चूंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब अगर हम मैं इस तरह से कहूँ कि मुझे अपने फाइनल स्टेप पे जाना है, जो कि साइंटिफिक नोटेशन का पहला स्टेप ये है, पहला उसका पर्पज़ ही ये है कि आपने अपने पॉइंट को, वैल्यू में मौजूद अपने पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रिप्लेस करना है जो कि 5 है। तो अगर मैं 5 के बाद रिप्लेस कर दूँ, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, यानी कि यहाँ से, अब यहाँ पर पॉइंट आ गया था ना, तो यहाँ से यहाँ पर जाऊँगी, तो ये होगा कि 5.406 इंटू 10^3। लेकिन अब यहाँ से भी यहाँ पर आ गया है, तो 3+1, इसका मतलब है टोटल अब ये 4 डेसिमल मूव कर गया है, तो इसे 10^4 लिख देंगे आप। इसी तरह अगर आपके पास कोई यही वाली इसी वैल्यू को ले लीजिए कि अगर आपके पास इस तरह से हो कि 5.1406 इंटू 10^4 हो, अगर आपसे कोई ये कह देता है कि भाई मैंने आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया, आप मुझे इसे रियल नंबर में, वापस रियल नंबर में कन्वर्ट करके दिखाएं, ये हमारे पास रियल नंबर था ना, एक रियल वैल्यू थी जिसे हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में दी गई एक वैल्यू है जिसे आपने रियल में लेके जाना है, तो आप तब क्या करेंगे? आप तब ये करेंगे कि जैसे कि इसमें आपको 4 स्टेप, पिछले आपने काम में 4 स्टेप किए थे, सिमिलरली इस काम में भी आप 4 स्टेप करेंगे। वो कैसे कि अब आप उल्टा काम करें, अब आप बैकवर्ड, जैसे बैकवर्ड काउंटिंग होती है ना, इसी तरह आप बैकवर्ड काम करें कि अब आप इस पॉइंट को यहाँ से उठाएं और 1 के बाद प्लेस कर दें। अगर आप किसी वैल्यू में, अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है और उसे रियल में लिखना है, तो आप काम उल्टा करना शुरू कर दें, आप अपने पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराना शुरू कर दें। यानी कि अगर इस सिचुएशन में है आपके पास डेसिमल, इस पॉइंट पर है, पॉइंट जो है आपके पास इस पोजीशन में है, यहाँ पर है, इसे मैं यहाँ से उठाती हूँ और 1 के बाद लगा देती हूँ, तो मैंने एक डेसिमल मूव कराया, तो मुझे इसे 10^1 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। इसमें प्लस और माइनस का अभी आप ना, इसमें प्लस और माइनस का कोई चक्कर नहीं है, अभी आप बस ये देखें कि आपने कितने डेसिमल मूव कराए हैं। ये चूंकि मेरे पास पावर पॉजिटिव में थी, तो मैं नीचे जो पावर डिवाइड कर रही हूँ वो भी मैं पॉजिटिव में ही लूँगी। अब यहाँ पर भी मेरे पास जो है आ जाता है 1 डिजिट मूव कराया, तो इसका मतलब है ये इस तरह से आ गया 5.1406 इंटू 10^4 और नीचे 10^1। अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में दी गई वैल्यू पॉजिटिव में है, तो नीचे भी आप पॉजिटिव पावर से ही डिवाइड करते चले जाएंगे। सेकेंड स्टेप में अगर आप ये कहें कि डेसिमल को 5 के बाद जो है डायरेक्ट 5 से उठाकर, 5 के बाद से उठाकर जो है आप 4 के बाद लगा दें, तो जब यहाँ से हमारा डेसिमल यहाँ पर आएगा इस जगह पर, तो ये 2 डेसिमल मूव कर जाएगा, 5.1406 इंटू 10^4 जो कि ऑलरेडी मौजूद था, और नीचे 10^1 भी था। अब मज़ीद एक को 10^1 से नीचे जाके हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि 5.14.06 इंटू 10^4 डिवाइडेड बाई 10^1 इंटू 10^1। और आपको मालूम है कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन यानी 10 की पावर में लिखी हुई कोई भी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर एड अप हो जाती है, इसका मतलब ये 10^2 बन गया।
और ये 514.06×10^4 बन गया। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस पॉइंट को यहाँ से भी उठाकर ज़ीरो के बाद लेके जाना चाह रही हूँ, तो आप 514.06×10^4 तो मुझे मज़ीद यहाँ से उठाकर डेसिमल यहाँ पर मूव करने के लिए जो है नीचे एक और पावर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक डेसिमल मूव किया है ना, फोर के बाद उठाया और ज़ीरो के बाद रख लिया, तो यहाँ पर सिर्फ ज़ीरो ही दरमियान में आता है, यानी कि एक ही डिजिट मूव करना पड़ी। तो अब मेरे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो 514.06×10^4/10^3। यहाँ तक तो काम हमारा हो गया। अब हमारा फाइनल स्टेप ये है कि हमें इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसे सिक्स के बाद ही रखना है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसे मज़ीद एक डेसिमल मूव करना पड़ा, तो नीचे जाके मज़ीद एक 10^1 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 514.06×10^4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 10^4। और जब आपके पास आपको मालूम है ऊपर भी पावर सेम हो नीचे भी पावर सेम हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, तो इसका मतलब है 514.06, यानी कि 5.1406 को × 10^4 को आपने इजीली कन्वर्ट कर दी है 51406 में। और किस तरह से कन्वर्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता डेसिमल को प्लेस करते गए और नीचे 10^10 की पावर से डिवाइड करते गए। अब अगर आपके पास कोई इस तरह से सिचुएशन हो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। लेट्स से कि 0.19 ये आपके पास एक डेसिमल है × 10^4। अगर मैं कहूँ कि नहीं, बल्कि मैं इस तरह से कहती हूँ कि आपके पास ये है कोई एक वैल्यू जो कि है 1.9×10^-1। अब आपके पास -1 में आ गया है और ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है, इसे अगर आपने रियल नंबर में लिखना हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे आप रियल नंबर में इस तरीके से लिख सकते हैं कि अब आपने क्या करना है कि ये पॉइंट को आपने इस तरह से यहाँ पर लेकर आना है, उल्टा काम चलाना है। जहाँ उल्टा काम इसलिए चलाना है क्योंकि अब ये माइनस में है, तो माइनस का मतलब है कि डेसिमल जो है, ये जो पॉइंट है, ये इस तरह से मूव किया होगा कि ये लेफ्ट से ही राइट पर आया होगा, तभी तो हमारे पास जो है नेगेटिव में पावर आई ना। अगर कोई पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ्ट पे जाए तब तो पॉजिटिव में पावर आ जाती है, और अगर लेफ्ट से राइट पर आए, यानी कि हमारे पास लेफ्ट, अगर ये राइट है, राइट से आपके पास जो है लेफ्ट पर जा रहा है तो पावर पॉजिटिव, और लेफ्ट से अगर आपके पास राइट पर आ रहा है तो पावर नेगेटिव। अब यहाँ -1 है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इस डिजिट के साथ हुआ है कि इसका जो पॉइंट है वो लेफ्ट जो है लेफ्ट से राइट पर आया है, तभी -1 है। अब आप इसे उल्टा काम चला दें कि आप क्या करें, यहाँ पर पॉइंट है, इसे वापस आप लेफ्ट पे ले जाएं, तो जब वापस लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो 10^5 से डिवाइड कर दें, लेकिन 10^-1 से, जितने डेसिमल आप मूव करेंगे उतनी पावर से डिवाइड करते जाएं, बट माइनस के साथ, क्योंकि अब आप जो है इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेके जा रही हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 19 यहाँ पर × 10^-1 / 10^-1, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, और 1.9×10^-1 को हम लोगों ने 0.19 में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं है, उसका मतलब है ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर 0.19 में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह से आप मुख्तलिफ वैल्यूज को, जो कि साइंटिफिक नोटेशंस, जो कि फिजिक्स में या फिर डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि आपके पास आ सकता है कि यूनिवर्स की एज क्या है, 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं, या आपके पास आ सकता है कि डायमीटर ऑफ मून क्या है, अर्थ क्या है, सन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, या स्पीड ऑफ साउंड क्या है, इन चीज़ों को अगर आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो, न्यूक्लियस के साइज़ वगैरह को, तो आप आसानी से उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखी गई चीज़ को आसानी से जो है रियल नोटेशन में भी तब्दील कर सकते हैं। तो होप सो आपको काफ़ी हद तक साइंटिफिक नोटेशन के बारे में समझ आ चुका होगा। इसके अलावा जब हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट उसमें भी क्लियर हो जाएगा।